प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का जन्मदिन 15 जनवरी को है। 15 जनवरी बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। बीएसपी के जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा बड़े कार्यक्रम आयोजित करती है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन पिछले कई सालों से लगातार मनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का 68वां जन्मदिन इस बार मनाया जाएगा और इस जन्मदिन की तैयारियां जोरों शोरों से अभी से करना शुरू कर दी गई है। हालांकि इस बार का जन्मदिन थोड़ा सा खास है क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो लोकसभा की तैयारियां बीएसपी जो कैंपेनिंग है अपना वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन से ही शुरुआत करेगी और इसलिए ये 15 जनवरी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ी जानकारी मिल रही है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान को जो नाम है घर घर चलो, यानी कि घर 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 जनसंपर्क अभियान है, वो नाम दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से घर घर बसपा अभियान शुरू करेगी और उन्होंने जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव प्रचार में अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया जाएगा। चुनाव प्रचार का अभियान भी का जो खाका है वो इसी के जरिए तैयार किया जाएगा कि घर घर तक बहुजन समाज पार्टी की रीति नीतियां किस तरीके से पहुंचाई जाए। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन के बाद पार्टी की तरफ से बड़ी जनसभाएं भी होगी, साथ ही घर घर जो संपर्क अभियान है वो भी शुरू किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारियों की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार घर घर जन संपर्क अभियान के जरिए बहुजन समाज पार्टी अपनी रीति नीति और अपनी बातों को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने गांव चलो अभियान भी शुरू किया था, इससे पहले जो है अन्य अन्य अभियान भी उनकी तरफ से जारी किए गए थे, लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन पर घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है, जो कि पार्टी के लिए सही मायने में सही भी हो सकता है क्योंकि पिछले कई सालों से पार्टी के जो पदाधिकारी है वो किसी नेता का वो छोड़कर किसी कार्यकर्ता के घर पर जाना भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसे में बहुजन समाज पार्टी घर चलो अभियान या घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू करती है तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मिलेंगे अपडेटों के साथ, अब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।